लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए या पूरे रायगढ़ और थाने और नवी मुंबई के प्रकल्पग्रस्तों की मांग है, उसके लिए जो सर्वपक्षीय समिति बनाई गई है उसके कोर कमेटी के मेंबर हमारे साथ संजीव नाइक साहब, आप पूर्व सांसद हैं और बीजेपी के नेता हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे एक्चुअली इस वक्त जो मांग चल रही है वो कितना इम्पोर्टेंट है आपको लगता है और राज्य सरकार का जो रवैया है वो किस तरह का? देखिए, माननीय लोक नेता दीपा पाटिल साहब का जो नाम है वो देने की मांग 2008 से है, ये आपने सबने अभी कृति समिति के माध्यम से सुना है। मुझे भी जब निवेदन दिया तब उन्होंने कहा कि साहब हम 2008 से मांग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब इसका शिलान्यास करने आए थे उस वक्त भी एक निवेदन इस नाम का दिया गया। माननीय सांसद जो भिवंडी से है हमारे कपिल पाटिल साहब, उन्होंने सांसद सदन में इस नाम को रखा गया, यानी कि इस चीज़ सबको मालूम है। और माननीय अभी जो कमेटी के सभी पदाधिकारी है उन्होंने इस बात को कहा कि यहाँ जात धर्म भाषा प्रांत ये कुछ नहीं है, भूमिपुत्र और यहाँ के जो जमीन के मूल रहवासी है जिन्होंने इस चीज़ को पिछले कई वर्षों से एक लड़ाई की है और यहाँ के स्थानीय लोगों को न्याय दिलवाया है, उनका नाम देने के बारे में इस चीज़ को रखा गया। और मुझे लगता है कि सभी लोगों के साथ बैठकर जब बातचीत हुई तो ये बात तय हुई कि माननीय दीपा पाटिल साहब का नाम दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि हम अभी भी विनती करते हैं राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को, कि उनका नाम देना उचित रहेगा, कोई भी संघर्ष की भूमिका इसमें ना हो, प्यार मोहब्बत भाईचारा से ये काम हो। हम चाहते हैं कि ये एयरपोर्ट अभी तो उसका काम शुरू नहीं हुआ है, जल्द वो बनकर देश की सेवा में आए। सर, जिस तरह से अभी राज्य सरकार का रवैया है कि जो अभी हालिया बैठक हुई है उसमें मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि दीपा पाटिल साहब की बजाय बाला साहब ठाकरे का ही नाम होगा, इस तरह से एक मुख्यमंत्री का जो हट है आप उसे किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, ये सभी लोगों को आश्चर्य हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस चीज़ को वहाँ दोहराया है। सबको लगा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दिल के बड़े हैं, बाला साहब ये एक बहुत ही बड़ी ऊंची व्यक्ति महत्व है और यहाँ के स्थानीय लोगों को मान सम्मान देकर वो करेंगे तो लगता है उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कद है और ऊंचा होता था, सभी लोगों ने उसकी सराहना भी करते थे ऐसा लोगों का कहना है। तो वो उसके विपरीत वहाँ हुआ और मुझे लगता है एक नागरिक के तौर पे मुझे भी लगता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी है, इस तरह से करने से ज़रूर नाराज़गी हुई है, लेकिन मुझे आज भी अभी भी भरोसा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसे उस समय राजा होता था वो प्रजा की सुनता है, अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी है, मुख्यमंत्री जी प्रजा का ज़रूर सुनेंगे, स्थानीय लोगों का ज़रूर सुनेंगे और यहाँ कोई पार्टी की बात नहीं है। आपने देखा होगा कि सभी पार्टी सभी दल अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता अलग अलग सामाजिक संगठन ये सब ने मिलकर एक स्थानीय जो देहाती यहाँ के लोगों के लिए लड़ाई करने वाला आदमी जो गांव के सरपंच से लेके सांसद तक बने, विरोधी पक्ष नेता के तौर पे उन्होंने काम किया, 12.5 टक्का जो एक स्कीम है वो सिड़कों की उन्हीं के माध्यम से हुई, ऐसे बहुत से चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ राज्य सरकार और केंद्र सरकार जरूर इसमें सकारात्मक रहेगी। एक सर आखिरी सवाल, सिडको से लगातार 2008 से मांग चल रही है, 2012 पकड़ लीजिए, 2018 और लगातार संसद और विधानसभा में भी इसका मुद्दा उठा है, प्रकल्पग्रस्तों की तमाम मांगें इसको लेकर गई हैं, इसके बावजूद भी जब इसका प्रस्ताव बनाया जा रहा था कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सिडको और एक जो नगर विकास मंत्री हैं उसमें उन प्रस्तावों को या उन डिमांड्स को भी नज़रअंदाज किया गया और ये सीधे तौर पर प्रकल्पग्रस्तों की अवमानना है एक तरह से? नहीं, अभी जो समिति के एक सदस्य ने कहा कि माननीय नगर विकास मंत्री जी ने ही खुद बोला था कि इस प्रस्ताव को मैं रखूंगा, ये 3 साल पुरानी बात है।
और उसका जिक्र उन्होंने किया। दूसरी बात, सिडको में अभी कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि के तौर पे या आम आदमी से उधर है ही नहीं, सब आईएएस ऑफिसर है। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तौर पे आज सिडको क्या है, सिडको कंपनी एक्ट में है, वो कोई कोऑपरेटिव में नहीं है, वो कोई नगर पालिका नहीं है, क्योंकि जहाँ कोई इलेक्टेड मेंबर जाए, और आज के दिन में वहाँ कोई भी जनता का प्रतिनिधि नहीं है। तो अधिकारी लोगों ने बनाया हुआ ठहराव और उसको मान्यता देंगे, मुझे लगता है ये प्रजातंत्र का ये एक तरीके का अपमान है। आज के दिन में भी प्रजातंत्र का वो उपयोग करे और माननीय लोकनेता दीपा पाटिल जी का नाम दे, ऐसे आज भी हमारी मांग है। आखिरी सवाल सर, 24 तारीख को जो आंदोलन हो रहा है, जिस तरह से तीव्र भावना है प्रकल्पग्रस्तों की, आपको लगता है कि इसके बाद कहीं ना कहीं न्याय की गुंजाइश है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री इसे गंभीरता से सोचेंगे और न्याय देने की कोशिश करेंगे? मुझे आज भी यकीन है कि ठीक है, उनको लगा होगा इस चीज़ को करे, लेकिन अभी के जो वातावरण देखने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में ज़रूर विचार करेंगे, क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है, वो समाज को समझते हैं। मुंबई महानगर पालिका जैसी बड़ी महानगर पालिका इतने सालों से वो चला रहे हैं, तो ये आम आदमी की जो मांग है वो ज़रूर उसका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, और ऐसी कोई भी स्थिति पैदा न हो जिससे ये मामला और आगे गलत दिशा में जाए, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी सही निर्णय ले, ऐसी हम उनसे विनती करते हैं। बहुत बहुत थैंक यू सर। जैसा कि आपने देखा कि पूर्व सांसद थे संजीव नाइक साहब, जिनको आज भी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं 24 तारीख के आंदोलन के पहले शायद या उसके बाद मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर जो प्रकल्पग्रस्त हैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए सकारात्मक निर्णय लेंगे और नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब के नाम का प्रस्ताव आगे बढ़ाएंगे। कैमरामैन प्रकाश के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई।